हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी जो कि साबूदाने के वड़े की है। मैं इनको कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों के पास भी कोई अच्छी सी रेसिपी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर इस बनाऊँगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं साबूदाने के वड़े। वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी साबूदाना लिया था। इसको मैंने अच्छे से 3-4 पानी से वॉश करने के बाद 5 घंटे के लिए भिगा के पानी में रख दिया था। पानी में इसको ऐसे भिगाना है कि इसको 3-4 बार धुलने के बाद इसका पानी एकदम से आपको हटा देना है और इसको ढक करके रख देना है। तो 5-6 घंटे बाद देखिए ये अच्छे से फूल चुका है। और इसमें मुझे चाहिए ये आलू। आलू को मैंने 6-7 आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, छील कर उनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हरी मिर्च और ये धनिया, और ये तलने के लिए तेल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं साबूदाना के वड़े। तो देखिए आलू को मैंने यहाँ पर अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये हरी धनिया, सारी डाल दूंगी। ये हरी मिर्च एकदम ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। और ये इसमें से थोड़ी सी मिर्च डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च मैं ऑलरेडी से डाल चुकी हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अब मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूंगी। मसाले मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये साबूदाना। और हाँ, आप लोग नमक थोड़ा ज़्यादा ही मिलाइएगा क्योंकि जब ये साबूदाना मिक्स हो जाएगा तो ये नमक इसमें कम लगेगा अगर आप लोग कम मिलाएंगे तो, इसलिए नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अब मैं इसको भी हाथ से अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं अपने हाथों में लगाऊंगी हल्का सा तेल और इसको एक डो का आकार दे दूंगी। हल्का से तेल लगाया मैंने इसमें और इसको एक डो का आकार दे दूंगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे सी टिक्कियां, थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना लूंगी। अब मैं इसके छोटे छोटे से टिक्कियां बनाना स्टार्ट करूंगी। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और अपनी मनपसंद के शेप में इसको, मैं अपने मनपसंद का आप लोग शेप दे सकते हैं। मैं इसको इस शेप में बनाऊंगी। थोड़ा सा तेल लगाया, थोड़ा सा ये मिक्सर लिया और इसको टिक्की बना ली। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियां बना लूंगी। टिक्कियां मैंने यहाँ बना ली हैं। कढ़ाई को मैंने गैस में चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको डीप फ्राई करूंगी इसलिए मैं इसमें इतना तेल डाल रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ मेरी फैमिली को डीप फ्राई पसंद है इसलिए मैं इसको यहाँ डीप फ्राई करूंगी। तो जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब मैं इन टिक्कियों को इसमें डालूंगी। तो आप देख सकते हैं तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब मैं इन टिक्कियों को इस तेल में डाल दूंगी। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप ये टिक्कियाँ तेल में डालें
तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तेल को हम हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे और इन टिक्कियों को डालने के बाद फ्लेम धीमी कर देंगे। एक बार में मैं सिर्फ चार टिक्कियां यहाँ पे सेकूंगी और इनको जब ये थोड़ी सी हल्की सी लाल हो जाएंगी तब इनको पलटना है। तब तक के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है और फ्लेम अभी हाई रहेगी। तो टिक्कियाँ देखिए लाल होने लगी हैं। फ्लेम को मैं धीमा कर दूंगी और इनको पलट दूंगी। इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन आने तक मैं सेक लूंगी। ये देखिए बड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए अब मैं इनको टिश्यू पेपर में निकाल लूंगी। अच्छे से कढ़ाई में हल्का सा इनको टेढ़ा कर दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई पे वापस चला जाए। गैस की फ्लेम को तेज कर दूंगी और बाकी के बड़े इसमें डाल दूंगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे बड़ों को सेक लूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो बन चुके हैं यहाँ पर मेरे साबूदाना के वड़े। इनको भी मैं निकाल लूंगी टिश्यू पेपर में। फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं हमारे साबूदाना के वड़े। इनको मैं चिली सॉस और टोमेटो केचप के साथ सर्व करूंगी। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।